Hi friends, welcome back to my channel VVP Education. Let's continue our series Geometry. Friends, previous video में हमने polygon के बारे में बहुत study किया. But do you remember the polygon with the four sides? Yes, it is quadrilaterals. So friends, in this video we are going to learn about quadrilaterals and its types. यहाँ पे जो हमारे पास quadrilaterals है, उनके जो types है वो उसकी properties और उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसके अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड किया है, जिसमें हमने हमें अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स मिलेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल वीवीपी एजुकेशन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज. सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, हमने जो स्टडी किया था कि क्वाड्रिलेटरल्स इज नथिंग बट फोर साइडेड पॉलीगॉन. कोई भी हमारे पास पॉलीगॉन है उसमें अगर फोर साइड्स है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स. लेकिन उसको भी हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अकॉर्डिंगली. क्लियर? सो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है वो है ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल्स with a pair of parallel sides. Trapezium हमारे पास जो quadrilateral है वो ऐसा quadrilateral है कि जिसमें एक साइड आपको एक पेयर आपको ऐसी मिलेगी जो क्या होगी, पैरेलल होगी. क्लियर फ्रेंड? अब यहाँ पे जो मैंने फिगर ड्रॉ की है उसमें देखो हमारे पास ये जो दो साइड्स है वो क्या है, पैरेलल है. एंड यहाँ पे ये जो दो साइड्स है वो है नॉन पैरेलल साइड्स. क्लियर? तो ये होगा हमारा ट्रेपेजियम. ओके अब फ्रेंड्स सपोज मैंने ऐसे कोई फिगर ड्रॉ कर दी तो ये भी हो गया हमारा ट्रेपेजियम. है तो उसमें भी फोर साइड्स ही, लेकिन यहाँ पे ये जो दो साइड्स है वो कैसे है हमारी, पैरेलल. क्लियर? अब उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो कि उसके डेफिनेशन में भी हमने स्टडी किया था. करेक्ट? कि यहाँ पे हमारे पास जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसके ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो वो होगा हमारा ट्रेपेजियम. एडजेसेंट एंगल्स आर एड अप टू 180 डिग्रीज, यानी कि एडजेसेंट एंगल है उनका हम अगर एडिशन करेंगे तो वो हमें मिलेगा 180 डिग्री. क्लियर? अब एडजेसेंट एंगल दैट मीन्स व्हाट, कि हमारे पास जो एक एंगल है उसके तुरंत बाद वाला जो एंगल है वो होगा हमारा एडजेसेंट एंगल. यानी कि सपोज यहाँ पे इसको मैंने बोला 1, 2, 3 एंड 4. अब यहाँ पे 1 है तो उसका एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, यहाँ पे 2 एंड 4. तो सपोज मैंने यहाँ पे 1 एंड 2 की बात की है तो अगर मैं एंगल 1 एंड एंगल 2 उनका एडिशन करूँगी तो हमें मिलेगा 180 डिग्री. अब ये कैसे, तो देखो फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास ये जो दो साइड्स है उसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे, अब ये दोनों साइड्स हमारे पैरेलल है तो देखो ये दो हमारी पैरेलल लाइन हुई. अब इस तरफ के जो नॉन पैरेलल साइड है, क्लियर, उसको मैं अगर एक्सटेंड करूँगी तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्सल. एंड ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन है उसमें जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल एट दी सेम साइड आर सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स अगर ये दो है उनका मैं सम करूँगी तो वो मुझे मिलेगा 180 डिग्री. क्लियर? तो हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल्स है वो हो गए हमारे कैसे, सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों का सम करोगे यहाँ पे 3 एंड 4 उनका सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री. क्लियर? अब फ्रेंड्स सपोज हमारे पास यहाँ पे जो है ट्रेपेजियम उसमें मैंने क्या किया है, ये जो दो साइड है हमारी वो है पैरेलल एंड ये दो जो साइड्स है वो नॉन पैरेलल है लेकिन इक्वल है. सबसे पहले यहाँ पे जो पैरेलल साइड्स है उनको हम बोलेंगे उसके बेस, ये होगा हमारा बेस 1 एंड बेस 2. एंड जो नॉन पैरेलल साइड्स है उनको हम बोलेंगे लेग, तो ये होगा हमारा लेग 1 एंड लेग 2. अगर फ्रेंड हमारे पास कोई ऐसा ट्रेपेजियम है जिसमें अपोजिट साइड्स तो पैरेलल है ही लेकिन जो उसके लेग्स है वो इक्वल है, यानी कि इसका जो मेजरमेंट है उतना ही इसका मेजरमेंट है, तो जो ऐसा ट्रेपेजियम होगा उसको हम बोलेंगे आइसोसेलिस ट्रेपेजियम. क्लियर फ्रेंड? यानी कि अगर हमारे पास ऐसा कोई ट्रेपेजियम है जिसकी जो लेग्स है,
क्लियर, यानी कि नॉन पैरेलल साइड्स है उनका जो मेजरमेंट है वो इक्वल है, तो वो होगा हमारा आइसोसेलिस ट्रेपेजियम। क्लियर, इसमें क्या होगा, लेग वन एंड लेग टू है दोनों का मेजरमेंट हमारा इक्वल होगा। ओके, सो ये है हमारा ट्रेपेजियम। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट वन इज काइट। काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंजेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल इन द लेंथ। क्लियर, काइट है वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसमें क्या होगा, एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंजेक्यूटिव पेयर्स, यानी कि आपके पास दो पेयर ऐसे मिलेगी कि जिसमें क्या होगा, पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, उसकी जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो कैसी होगी, इक्वल होगी। क्लियर, जैसे यहाँ पे मैंने फिगर में ड्रॉ किया हुआ है, देखो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर है, यहाँ पे ये एंड ये दो साइड है उसका जो मेजरमेंट है वो इक्वल है, एंड सेकंड पेयर है हमारी ये जो दो साइड है वो भी कैसी है हमारी, इक्वल। यानी कि आपको टू पेयर्स ऐसी मिलेगी कि जिसमें दो साइड्स है उसका जो मेजरमेंट है वो हमारा कैसा होगा, इक्वल। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी शेप है तो आप उसको क्या बोलोगे, काइट। क्लियर, उसकी प्रॉपर्टीज है द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, जो उसके डायगोनल होंगे, अब कोई भी पॉलीगोन है उसका डायगोनल दैट मीन्स व्हाट, कि सपोज मैंने यहाँ पे वर्टेक्स ली है, क्लियर, तो उसकी जो एडजेसेंट वर्टेक्स है इस वर्टेक्स के एडजेसेंट होगी ये दो वर्टेक्स, उसके अलावा जो वर्टेक्स है यहाँ पे हमारे पास ये, उनको अगर मैं कनेक्ट कर रही हूँ, यानी कि इसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ इनके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, उनका डायगोनल। कोई भी फिगर है उसमें हमें क्या करना है पॉलीगोन में, कि आपके पास जो भी वर्टेक्स है उसके एडजेसेंट वर्टेक्स के अलावा जितनी भी वर्टेक्स है उनके साथ कनेक्ट करके आपको जो लाइन सेगमेंट मिलेगी वही होगा हमारा डायगोनल। क्लियर, सो द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, यानी कि हमारे पास यहाँ से मैंने ड्रॉ किया तो ये हमें फर्स्ट डायगोनल मिला, एंड इस पॉइंट से मैं डायगोनल अगर ड्रॉ करूँगी तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। क्लियर, एंड ये जो डायगोनल हो गए वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, यानी कि ये दो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। क्लियर, एंड वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट अदर, यानी कि आपके पास जो भी डायगोनल है, क्लियर, दोनों डायगोनल में कोई भी एक डायगोनल है वो दूसरे जो डायगोनल है उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि टू इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेगा। सो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा है, उनके दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दिस वन, यहाँ पे ये जो डायगोनल है उनके दो इक्वल पार्ट कौन कर रहा है, जो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल है वो। क्लियर, सो उसकी जो दो प्रॉपर्टी है वो कौन सी होगी, द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर एंड वन ऑफ द डायगोनल आर बाइसेक्ट अनदर, यानी कि हमारे पास जो डायगोनल है उसके दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करेगा। क्लियर, सो ये है हमारी काइट। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्लियर, पैरेललोग्राम जो है हमारा वो ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसकी जो ऑपोजिट साइड्स होगी वो कैसी होगी, पैरेलल। देखो यहाँ पे फ्रेंड ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है, यहाँ पे ये एंड ये दोनों साइड्स कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल। सेम यहाँ पे ये दो जो साइड्स है वो भी कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल। क्लियर, अब ऑपोजिट साइड्स जब एक दूसरे के पैरेलल होगी तो उसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आपके पास ये साइड्स एंड ये दोनों साइड यहाँ पे पैरेलल है। अब ट्रेपेजियम में हमने क्या देखा था कि कोई भी एक साइड अगर पैरेलल है तो उसको हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। क्लियर, अब यहाँ पे हमारे पास एक पेयर तो है ही, दैट मीन्स व्हाट, कि जो हमारा पैरेललोग्राम है वो एक टाइप का ट्रेपेजियम ही है, यानी कि कोई भी पैरेललोग्राम है उसको हम ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वन पेयर ऐसी है जो एक दूसरे के पैरेलल भी है। क्लियर, पैरेललोग्राम दैट मीन्स हमारे पास दो पेयर ऐसी मिलेगी जो हमारे कैसी होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। नाउ उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो कि हमने डेफिनेशन में किया ही था स्टडी। क्लियर, नेक्स्ट वन इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर, पैरेललोग्राम की जो हमारे एकदम इम्पोर्टेंट सी प्रॉपर्टी है वो है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल
एंड ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, तो उसके ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे इक्वल, यानी कि ये दोनों का मेजरमेंट होगा वो कैसा होगा इक्वल, सेम, ये दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। एंड यहाँ पे ये एंड ये दोनों एंगल एज वेल एज दिस वन एंड दिस वन, उसका जो मेजरमेंट होगा वो भी कैसा होगा इक्वल। क्लियर फ्रेंड? नाउ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जो कि हमने ट्रेपेज़ियम में भी देखा था कि हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि अगर आप लाइंस को एक्सटेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, उसके अकॉर्डिंगली जो इंटीरियर साइड्स है वो एंगल इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका एडिशन हमारा कैसा होगा 180 डिग्री, यानी कि वो होंगे हमारे सप्लीमेंट्री। क्लियर? नाउ डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट अगेन दैट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो यहाँ पे अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ तो ये जो डायगोनल है वो एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर? एंड उसके दो इक्वल पार्ट में डिवीजन करेंगे, यानी कि अगर ये डायगोनल हमें 10 सेंटीमीटर का मिला है तो ये जो सेकंड डायगोनल है वो उसके दो इक्वल पार्ट में यानी कि 5 and 5 में डिवाइड करेगा। सेम एज यहाँ पे अगर ये हमारा 8 का है तो इसका मेजरमेंट हो जाएगा हमारा 4 and 4 का। क्लियर? यानी कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे। सो पैरेललोग्राम इन शॉर्ट क्या है, एक टाइप का ट्रेपेजियम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो सेकंड पेयर है वो भी कैसी होगी, पैरेलल होगी, उसमें उसकी जो साइड्स एंड एंगल है ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल वो इक्वल होंगे, एडिशन एंगल होंगे वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, एंड उसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? सो इस वीडियो में हमने क्या क्या स्टडी किया है कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटर है उनके अलग अलग टाइप्स। क्लियर? सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया था ट्रेपेजियम, जिसमें क्या थी कि कोई भी एक पेयर ऐसी होगी साइड्स की जो एक दूसरे के पैरेलल होगी। क्लियर? देन उसके बाद हमारे पास थी काइट, जिसमें क्या था कि कंसेक्यूटिव साइड्स होगी वो हमारे कैसी होगी यहाँ पे इक्वल इन मेजरमेंट। एंड थर्ड वन हमारे पास था पैरेललोग्राम, जिसमें क्या था उसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होगी एंड उसके जो मेजरमेंट है ऑपोजिट साइड्स के वो भी इक्वल हो गए एंड एंगल्स भी यहाँ पे इक्वल होगा। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल VVP एजुकेशन। टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।